नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। आज के दौर में नौकरी की तलाश कौन नहीं करता है, पर यदि हम आपको यह कहें कि नौकरी जाने का एक प्रमुख कारण आप जिस शहर में रह रहे हैं वो भी हो सकता है तो आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। यकीन ना हो तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हर दिन नौकरी की तलाश में लाखों लोग देश की राजधानी दिल्ली आते हैं। नौकरी मिलना और छूट जाना एक आम बात है। कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को नौकरी से दो वजह से ही निकाल सकती है। पहला, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और दूसरा एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि नौकरी जाने का एक कारण आप जिस शहर में नौकरी कर रहे हैं वो भी होता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। परंतु यदि एक सर्वे की माने तो नौकरी जाने का कारण शहर भी है। टीम लीज के सर्वे के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में नौकरी करने वाले लोगों पर दूसरे शहरों में कार्यरत लोगों की तुलना में नौकरी गंवाने का खतरा ज्यादा है। टीम लीज ने देश के 9 प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में सर्वे के आधार पर इस बात की जानकारी दी। टीम लीज की रिपोर्ट के मुताबिक यदि आप दिल्ली में रियल स्टेट, आईटी मैन्युफैक्चरिंग और बीपीओ सेक्टर्स में काम करते हैं तो आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। परंतु यदि आप हेल्थ केयर, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस और एनर्जी सेक्टर्स में काम करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सेक्टर्स में जॉब जाने का रिस्क काफी कम है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आने वाले समय में नौकरी का अंबार लगने वाला है और क्यों। फाइनेंस एंड सर्विस सेक्टर। टीम लीज के रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद से मोबाइल वॉलेट और डिजिटल बैंकिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण फाइनेंस और सेवा क्षेत्र में 10.57% जॉब ग्रोथ की उम्मीद है। यदि आप हेल्थ और फार्मा सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम से इस क्षेत्र में नौकरियां पैदा हो रही हैं और आने वाले समय में 13.67% जॉब ग्रोथ की उम्मीद है। टीम लीज की रिपोर्ट के अनुसार केपीओ सेक्टर में आने वाले समय में 14.77% जॉब ग्रोथ देखने को मिल सकता है। रिलायंस जियो के आने के बाद टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कंपटीशन तगड़ा हो चुका है, जिसके कारण आने वाले समय में यहां नई नौकरियां पैदा होने की संभावना जताई गई है। जीएसटी के आने के बाद से एक तरफ जहां वस्तुओं के दाम घटे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिटेल सेक्टर्स में 12.6% जॉब ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टीम लीज की रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में जॉब्स के बाहर आने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार इस सेक्टर में आने वाले समय में 12.5% जॉब ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 2016 में भले ई कॉमर्स और टेक्निकल स्टार्टअप सेक्टर मुश्किल हालात से गुजरे, पर आने वाले समय में इस सेक्टर में 14.94% जॉब बढ़ने की उम्मीद है। कुछ समय से अमेरिकी सरकार के बदले रुख और ऑटोमेशन से प्रभावित होकर भले इस सेक्टर में जॉब्स के जाने का खतरा मंडरा रहा है, परंतु यदि रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में इस सेक्टर में 10.25% जॉब ग्रोथ हो सकती है। तो यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको आज की हालात को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक मान्य डिग्री और स्पेशल स्किल। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।